एनआईटी हमीरपुर की रैंकिंग में सुधार और रिसर्च वर्क पर आगामी दिनों में प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाएगा। रिसर्च स्कॉलर इनटेक को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। संस्थान में फैकल्टी और रिसर्च की दृष्टि से बेहतर संभावनाएं हैं। हाल ही में एनआईटी हमीरपुर के निदेशक पद का जिम्मा संभालने वाले प्रोफेसर एचएम सूर्यवंशी ने यह बयान दिया है। वह सोमवार को मीडिया कर्मियों से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने इस दौरान अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। प्रोफेसर सूर्यवंशी विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में लंबे समय तक प्रोफेसर रहे हैं। सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एनआईटी हमीरपुर की इमेज में बदलाव को लेकर प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाएगा। संस्थान के प्रति विद्यार्थियों और समाज के सोच में बदलाव के लिए सकारात्मक बदलाव किए जाएंगे। हर विभाग के कार्य में पारदर्शिता लाई जाएगी। सबसे ज्यादा तो यहाँ फैकल्टी का रिक्रूटमेंट का सबसे बड़ा इश्यूज है, उसको करना है, और रिसर्च स्कॉलर इनटेक बढ़ाना है, उससे रिसर्च एक्टिविटी बढ़ेगी, और फैकल्टी को मोटिवेट करना है, जहाँ फैकल्टी जरा डिस्करेज है यहाँ पे, तो उसकी वो ये करेंगे मोटिवेट करके उसको। थोड़ा सा क्या है कि कभी अप्रिशिएट भी करना पड़ता फैकल्टी का, तो अप्रिशिएशन मोटिवेट उनको थोड़ा एनर्जाइज भी करना पड़ेगा फैकल्टी, तो उससे इम्प्रूवमेंट होगा रिसर्च एक्टिविटी में। और फैकल्टी जैसा इंटरव्यू करेंगे, फैकल्टी का रिक्रूटमेंट करेंगे, तो उससे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एनआईआर रैंकिंग में भी बढ़ावा मिलेगा उससे। पर्टिकुलरली रिसर्च स्टूडेंट्स है, पीजी स्टूडेंट्स है और बीटेक स्टूडेंट्स, इनको मोटिवेट करना पड़ेगा टूअर्ड दी एंटरप्रेन्योरशिप, और स्टार्टअप इनोवेशन सेंटर चालू करना पड़ेगा यहाँ पे उसके लिए। तो उसमें क्या थोड़ा गवर्नमेंट से भी फंड मिलता है इनोवेशन सेंटर में, और एलुमना सपोर्ट भी इसमें काफ़ी उसका सहयोग रहता है कि उससे इंस्टीट्यूट जल्दी से जल्दी हायर स्टडी हो गया एक पैरामीटर उसमें, और दूसरा पैरामीटर से इंटरप्रेनरशिप है। तो उसमें स्टूडेंट्स हमारे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, खुद का स्टार्टअप चालू कर सकते हैं, तो ये भी एक प्राथमिकता है उसमें।